आदित्य क्लासेज में आप सभी लोग का स्वागत है सी टेट की क्लास में। तो मैथ का जहाँ तक समाप्त हुआ था उसके जस्ट आगे स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा मेजरमेंट मापन, ध्यान से समझे। इसके बाद अगला टॉपिक आता है मेजरमेंट मापन। अब देखिए मापन से रिलेटेड प्रश्न जो पूछता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए मापन से हमारा जो होता है कितने कितने टॉपिक से कवर किया जाएगा इसमें। तो मापन सबसे पहले पूछ सकता है लंबाई से, पहले पूछ सकता है लंबाई का मापन। उसके बाद हम लोग देखेंगे द्रव्यमान का मापन। इसके बाद आएगा द्रव्यमान का मापन। उसके बाद आएगा समय का मापन। इसके बाद आएगा समय का मापन। ठीक है, तो एक और भी रख लेते हैं इसमें, भारतीय मुद्रा भी इसी के रिलेटेड आ जाएगी, इंडियन करेंसी, भारतीय मुद्रा। ठीक है ना, इतने टॉपिक हैं जिसको कवर करना है इस वाले चैप्टर के थ्रू से। और भी इस पे दूरी उरी सब आ जाएगा तो देखा जाएगा। सबसे पहले हमको एक और चीज समझना है, प्रणाली को भी समझना है इसमें। सबसे पहले मापन जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले प्रणाली, प्रणाली मतलब किसी भी संख्या को लिखने की प्रणाली होती है, जिसको एक को बोलते हैं भारतीय प्रणाली और एक होता है इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। यानी कि इसमें याद रखिएगा कि प्रणालियां जो होती हैं, दो तीन टाइप की प्रणाली होती है उसको समझना है। तो प्रणालियां जो होती हैं उस प्रणाली को हम लोग देखेंगे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो याद रखें अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो सबसे पहले हम लोग प्रणाली के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रणाली को। देखिए हाँ चलिए, देखिए जब हम लोग शुरू करेंगे तो जैसे प्रणाली जो होता है इसके बारे में देखते हैं। ये गड़बड़ा गया। देखिए सबसे पहले हम लोग प्रणाली की बात करेंगे। इसमें दो सिस्टम होता है लिखने का, एक होता है भारतीय पद्धत, एक होता है भारतीय इंटरनेशनल सिस्टम, भारतीय प्रणाली। जैसे कोई भी संख्या रखेंगे तो इसमें पहले इंडियन सिस्टम आएगा, इंडियन सिस्टम। जैसे इंडियन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। इसके बाद हमारा आता है जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धत, अंतर्राष्ट्रीय पद्धत या प्रणाली, इसको बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। जब भी कोई संख्या लिखी जाती है यानी संख्या के लिखने की प्रणाली है, इसमें हमारा क्या क्या आता है इसमें एग्जाम्पल में समझ लीजिए। इसमें आता है इकाई, इसके बाद आता है दहाई, इसके बाद आता है सैकड़ा, सैकड़े के बाद आता है हजार, हजार के बाद आता है लाख, लाख के में आता है करोड़, 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 लाख के बाद आता है करोड़, और ये टीसी कर सकते हैं। यानी कि इसमें याद रखें ये सब चीजें हमको मिलता है। और इसमें जब हम लोग चलेंगे तो इसमें क्या क्या मिलेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें इकाई आएगा, दहाई आएगा, सैकड़ा आएगा, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हजार आएगा। अब हजार के बाद लाख नहीं आता, इसके बाद आता है मिलियन, इसके बाद आता है मिलियन, इसके बाद आता है बिलियन, इसके बाद आता है ट्रिलियन, इसके बाद इसमें ट्रिलियन, ऐसे करके आते हैं, डेका ट्रिलियन, हेक्सा ट्रिलियन, इस तरीके से इसमें आता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रणालियां भी हमारी टू टाइप्स की होती है, एक इंडियन एक इंटरनेशनल। इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे इसके बाद हमारा आता है इंटरनेशनल सिस्टम, भारतीय प्रणाली, याद रखेंगे।
देखिए, इसके बाद हमारा आएगा भारतीय प्रणाली। जैसे देखिए देखिए, इसके बाद हमारा आएगा भारतीय प्रणाली, भारतीय प्रणाली। इसको समझते हैं, भारतीय प्रणाली को, कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको भारतीय प्रणाली, इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आपको दाहिने से काउंट करना हो, जैसे 1 2 3 कामा, इसका दो दो के बाद हम कामा लगाना शुरू करते हैं। ऐसे इसका दो दो संख्याओं के बाद हम कामा लगाना शुरू करते हैं। फर्स्ट पर हमारा आएगा इकाई, दूसरे पर आएगा दहाई, तीसरे पर आएगा सैकड़ा, इसका चौथे पर आएगा हजार, इस पर आएगा हम बोलेंगे 10,000। ये हो जाएगा लाख, ये हो जाएगा 10 लाख, उसका ये वाला हो जाएगा करोड़, इसके बाद ये वाला होगा 10 करोड़, उसका करोड़ के बाद आएगा अरब, उसके ये वाला आएगा खरब। इसको और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद ऐसे दो लाइन खरब, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 करोड़, अरब खरब नहीं आएगा, सॉरी गलती हो गया। एक एक मिनट, ये वाला देखिए जो गलती हुआ है, जो भी वाला अरब आया है तो इस पर आएगा 10 अरब, इस पर आएगा 10 अरब, इस पर आएगा खरब, इसको बोलेंगे 10 खरब, इस तरीके से संख्या चलती जाती है। खरब के बाद इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील, इसके बाद होगा 10 नील, इसके बाद आएगा पद्म, इसके बाद आएगा पौधम, और ये हो जाएगा 10 पद्म। इसके बाद आएगा शंख, इस पर आएगा शंख आ जाएगा, इस पर आएगा शंख, याद रखें, इस पर आएगा शंख, यानी कि यहाँ पर जो भी आपकी संख्या आएगी, यहाँ पे जो भी दो संख्या आएंगी, एक को बोलेंगे शंख, जाएगा महाशंख। आपने देखा इस तरीके से कि बन जाएगा कुछ नंबर, तो इसको बोलते हैं इंडियन सिस्टम, इसको बोलते हैं इंडियन सिस्टम। इससे याद रखिए, इस पर एक चीजें हैं जिसको आपको जानना है, जैसे कि हर जगह, जैसे हर जगह मान लेते हैं, यहाँ पे एक कामा लगा है, देखिए ये जो कामा वाला आपका लगा है यहाँ यहाँ पे, और दो दो के पहले 3 पर लगेगा, इसके बाद दो दो के बाद कामा लगता है, चला जाएगा। याद रखे इस तरीके से, आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 तक चला जाकर पूरा का पूरा संख्या जाकर खत्म होता है। इसके बाद आपसे मान लेते हैं क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, पहला क्वेश्चन मान लेते, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर पूछ दिया जाए इस पर, कि बताइए, पूछ दिया जाए, बताइए, देखिए जैसे मान लेते इस पर क्वेश्चन पहला पूछ दिया जाए कि 23 45 6 7 8 1, यानी कि ये आपके सामने दिया है, तो बोल दे को शब्दों में लिखिए, को शब्दों में लिखिए, इसको जब लिखना हम शुरू करेंगे तो ध्यान से देखें, हर पहले 3 पर, पहले हमें क्या करना है कि पहले हमें 3 पर लगाना है, ठीक ना,
पहले हमें तीन पर लगाना है, पहले तीन पर। तो जैसे तीन पर लगाएंगे इसके बाद हम कामा लगाना शुरू करेंगे। जैसे मान लेते यहाँ पे सात था, तो पहले तीन पर उसके बाद दो दो पर कामा हम लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। ये देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार दस हजार, लाख दस लाख, करोड़। इसको हम ऐसे लिखेंगे, दो करोड़, क्योंकि ध्यान से समझिएगा ये करोड़ में, करोड़ के बाद लाख आएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं दो करोड़। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे ऐसे, दो करोड़, दो करोड़ चौंतीस, चौंतीस, चौंतीस लाख, चौंतीस लाख, चौंतीस लाख छप्पन हजार, छप्पन हजार, छप्पन हजार सात सौ इक्यासी, छप्पन हजार सात सौ इक्यासी, इक्यासी। यानी कि ये आपके सामने इस संख्या का आप शब्दों में लिख सकते हैं। शब्दों में हम इसको कैसे लिखेंगे, तो दो करोड़, दो करोड़ चौंतीस लाख छप्पन हजार सात सौ इक्यासी इसको लिखेंगे, ठीक है ना। एक और अगर क्वेश्चन मान लेते हैं यहाँ पे दे दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन कि बताइए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको आप लिखने के लिए आप पहले दो पर कामा लगाएंगे, ठीक है ना। इसको देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे। इसका हमारा आंसर होगा, इसका तो ये वाला आंसर है। अब इसका आंसर देखिए क्या होगा, नौ लाख, नौ लाख बावन हजार, बावन हजार, नौ लाख बावन हजार चार सौ, चार सौ अड़तीस, चार सौ अड़तीस, अड़तीस। तो दोनों तरीके से हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारा अगला जो आता है वो आता है अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम, इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में आपको ये जानना है कि सबसे पहले दाहिने से आपको शुरू करना है, तो दाहिने से हमारे पास तीन नंबर होंगे, ये तीन नंबर होंगे कामा, यानी कि प्रत्येक में तीन तीन नंबर के बाद हमें कामा लगाना है। बस हर बार हमको तीन तीन नंबर पे कामा लगाना है, तीन तीन नंबर में हमको कामा लगाना है। तो तीन तीन नंबर में कामा लगाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे इसके क्वेश्चनों को, कैसे करते हैं। तो ये आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जब होगा आपके सामने, तो हमेशा आपको दाहिने से तीन तीन नंबर पे आपको कामा लगाना है। और कैसे लिखेंगे इसको, यहां से देखना शुरू करें ध्यान से। सबसे पहले आपका आएगा यहां पर, जिसको बोलेंगे इकाई, सबसे पहले इसको बोलेंगे इकाई। ये वाला होगा आपका दहाई, इसको बोलेंगे सैकड़ा, इसको बोलेंगे सैकड़ा। तो याद रखें, आप जब भी तीन तीन पे कामा लगाएंगे तो हर तीन जो नंबर आपके होंगे हर ब्लॉक में, उसमें इकाई दहाई सैकड़ा तो हमेशा पड़ा रहेगा। इसको इकाई दहाई सैकड़ा के बाद हजार आता है, तो पूरी की पूरी तीनों नंबर हजार, हजार के बाद जो ये तीन नंबर हो गए ये मिलियन को कवर करेगा, ये मिलियन को कवर करेगा। उसके बाद ये जो तीनों होंगे ये बिलियन को कवर करेगा, ये तीनों जो होंगे ये बिलियन को कवर करेगा। उसके बाद जो तीनों आएंगे वो ट्रिलियन को कवर करेगा। याद रखें इस बात को कि इसके बाद लास्ट में जो आएंगे वो ट्रिलियन को कवर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दें कि हर जगह, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे इकाई, इसको हम बोलेंगे दहाई, और इसको हम बोलेंगे सैकड़ा। यानी कि हर जगह इकाई दहाई सैकड़ा आपका पड़ा रहेगा। इकाई यहाँ पर वह है दहाई, और ये वाला आपका है सैकड़ा। यानी इससे एक चीज आप देख पा रहे हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा हर तीन तीन ब्लॉक पे जो नंबर बनाया गया है वहां पे हमेशा आपका पड़ा रहेगा। यहाँ पर भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, इसको बोलेंगे इकाई, इसको बोलेंगे दहाई, और इसको बोलेंगे सैकड़ा। इसको भी हम बोलेंगे इकाई,
इसको बोलेंगे दहाई और इसको बोलेंगे सैकड़ा। इस तरीके से आप चाहें तो नंबरों को अव्यवस्थित कर सकते हैं। अब जैसे इस पर एक क्वेश्चन मैं देता हूं, जैसे मान लेते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए, इस पर ये क्वेश्चन आ जाए कि बताइए, जैसे मान लेते हैं आ जाए आपके सामने 23, 42, 1, 0, 8, 3, कदे को अंतरराष्ट्रीय पद्धत में, को अंतर्राष्ट्रीय, गलती हो रहा है, को अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धत में क्या लिख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या लिख सकते हैं। अभी आपके सामने पूछा जा रहा है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या लिखा जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखने का तरीका बता रहे हैं। जैसे देखें, अगर इसको आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आपको लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे। ये आपके सामने है 23, उसके बाद है 42, उसके बाद है 10, 83। मैंने कहा था कि इस तरह की संख्या को लिखने के लिए आपको करना क्या होगा कि तीन तीन नंबर के बाद आपको कामा लगाना है। जैसे याद रखिए इस बात को कि मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करना बताया था तो मैंने ये कहा था कि हर तीन तीन नंबर के बाद कामा आपको लगाना है। उसका जब कामा लगाएंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये पूरा का पूरा नंबर जो होगा ये किसको कवर करेगा, तो हजार को। हजार के बाद जो भी आएगा वह कवर करेगा मिलियन, वो कवर करेगा मिलियन को, वो कवर करेगा मिलियन को, और लास्ट वाला तो होगा वही इकाई, दहाई, सैकड़े से। तो लिखने का तरीका देखें, मिलियन वाले ब्लॉक में हमारे पास जो भी नंबर दिख रहा है वह है आपका 23। इसको लिखेंगे 23,421,083, इसको लिखेंगे 23। अब देखिए कैसे लिखना है, 23,421,421, इसमें देखिए 23,421,421। अब देखिए 421 के नीचे हजार लगा, इसलिए यहाँ पे हजार हम लगा लेंगे, 421,000, और आगे लिख सकते हैं 83 केवल, 83। इसके बाद आपका होगा 83। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी नंबर है उसको आप इस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। ये जो तीन होगा ये हमेशा इकाई पर होगा, और ये जो होगा दहाई पर होगा, और ये वाला सैकड़ा पर होगा, और ये जो ब्लॉक है सब ब्लॉक में चलेगा इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि मिलियन में 23 है, इसलिए 23 मिलियन मैंने बोला, 421,000 बोला वाला बोला गया। सेम इसी के बेस पर हमारा अगला क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है आप लोग से। जैसे मान लेते हैं 7363000117। अब आपसे पूछ ले को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या लिख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बताइए क्या लिख सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके सामने देखिए जो नंबर दिख रहा है को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखने की बात चली, को आपसे पूछ दे कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नंबर लेना है 7, फिर 2, फिर 6, फिर 3, 0, 0, 0, 1, फिर 1, फिर 7। उसके बाद मैंने कहा था कि तीन तीन नंबर के बाद कामा लगाना है। जैसे यहाँ पे कामा लग गया, यहाँ पे कामा लग गया, बस सॉरी गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट, यानी यहाँ से देखें कामा यहाँ पे लग गया, फिर कामा यहाँ पे लग गया,
अब इसको जब हम सॉल्व करने चलेंगे तो ध्यान से देखें, ये पूरा का पूरा किसको कवर करेगा, ते भी लिखते चलते हैं, ये इकाई को कवर करेगा, ये वाला दहाई को कवर करेगा, ये वाला जो है सैकड़े को कवर करेगा। इस तरीके से इकाई दहाई सैकड़ा आप तीनों को कवर करा लेंगे। इसके बाद जब चलेंगे इकाई दहाई सैकड़ा से तो तीनों के तीनों हजार को कवर करेंगे। उसके बाद ये जो तीनों नंबर होगा ये मिलियन वाले नंबर को कनेक्ट करेगा। उसके बाद जो भी संख्या इधर पाई जाएगी वह बिलियन को कवर करेगा। अब कैसे इसको लिखेंगे ध्यान से देखें, अब आंसर हमें लिखने की बारी है और आंसर कैसे लिखा जाएगा। तो बिलियन में केवल सात ही दिख रहा है इसलिए सात बिलियन। इसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे तो ऐसे लिखेंगे सात बिलियन, सात बिलियन 263, 263, 63, 63, 200 बिलियन, 7 बिलियन 263,00,000 मिलियन है, 263 मिलियन। मिलियन के बाद हजार में तो कुछ है ही नहीं है, 117 लास्ट में हो जाएगा, 117, 117, 117 ना, 117, 117, 117, 17, बस। तो आप इस तरीके से आप देख देख सकते हैं इसको कि अगर मान लेते हैं कि 7263,000,117 हो और बोल दे को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या लिख सकते हैं, तो आपको करना क्या है कि दाहिने से तीन तीन के ऊपर ब्लॉक लगाना है। ब्लॉक लगाने के बाद याद रखिए दाहिने से ही आप नंबरों को एडजस्ट करेंगे। तो इस तरीके से एडजस्ट करने चलेंगे तो पहले इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, अब लाख इसमें नहीं आता है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद सीधे हजार, हजार के बाद सीधे मिलियन, मिलियन के बाद सीधे बिलियन आता है। लेकिन हजार में भी 10,000, 100,000, 1,000 ऐसे करके आ सकते हैं। इसमें भी याद रखिएगा इस पर हमारा 1, 2, 3, 4 हजार, इसमें 10, इसमें मैक्सिमम 100,000 तक पहुंच सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग इसी के बेस पर, जैसे आपके सामने क्वेश्चन और आ जाए, जैसे कि दे दे 9,2,0,0,0,0,0,0, यहाँ पे दे दे 6,8,1,2 और बोल दे को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या लिख सकते हैं, को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बताइए क्या लिखेंगे। अब बोलेगा को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बताइए क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इसमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इस नंबर को लिखना है, को अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या लिखा जाएगा। अभी जो भी नंबर है इसमें पूछा गया क्या लिखा जाएगा, मतलब इसके लिए क्या लिख सकते हो, लिखा जाएगा ये भी बोल सकते हैं। तो बोला गया कि ऊपर दिए गए संख्याओं को अच्छे से ऑब्जर्व करें और बताएं कि इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या हम लिख सकते हैं। तो नंबर आपके सामने देखिए 9,2,000,000, उसके एक और 000 है, उसका 600,8,1,2 इस तरीके से है। तो बोला इसको क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखें दाहिने से चलेंगे तो तीन तीन के बाद कामा लगाना शुरू करिए ऐसे। तो जब हम कामा लगाने चलेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, देखिए ये वाला मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कि पूरा का पूरा ये जो होता है ये हजार को कवर करता है, ये किसको कवर करता है तो हजार को, ये पूरा का पूरा किसको कवर करता है तो ये मिलियन, इसमें मिलियन आता है लाख नहीं आता है, इस बात को याद रखिएगा, इसमें आता है मिलियन, इसमें आ जाता है मिलियन, जितना रहेगा उतना बिलियन बोलना है आपको, और इसमें जो भी होगा उसको आपको बोलना है बिलियन। तो कैसे इसको लिखेंगे बताएं, इसको आप ऐसे लिखेंगे 920,006,812, बस यहाँ पे लिखेंगे 91,92,92,92। अब देखिए 92 बिलियन, 92 नहीं बेटा, 92, 920 हुआ है ना,
इसको हम लिखेंगे 920, 92 जीरो भी तो है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 900, इसको इसमें इससे लिख देते हैं, देखिए इसमें लिखेंगे 920, यानी कि ऐसे 900। अब देखिए आप यहां पे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 900 920, यहां पे देखेंगे 920, यानी कि यहां से देखें 920 आपके सामने जब चलेंगे तो 920 बिलियन आएगा। यहां से देखिए 920 बिलियन, अब यहां से 920 बिलियन आएगा। यहां पे ध्यान देंगे कि 920 यहां से बिलियन दिख रहा है, यहां से लिख सकते हैं बिलियन 920 बिलियन। और आगे बताएं कि मिलियन में कोई नंबर दिख रहा है, तो मिलियन में कोई नंबर आपके सामने दिख नहीं रहा है तो आप मिलियन को छोड़ दीजिए। हजार को जब ध्यान से देखेंगे तो हजार में आपके सामने सिक्स दिख रहा है, इसलिए आप 6000 इसको लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 6000। और इधर साइड में आपके सामने 812 है, तो इसको लिखेंगे 812। यहां पर हो गया 800 और लास्ट में आपका हो जाएगा 12। इस तरीके से देखें आप इस लिख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय सिस्टम, इसको हम क्या कहेंगे। तो आपके सामने प्रणालियां जो होती है टू टाइप्स की होती है, कि इंडियन सिस्टम होता है और एक इंटरनेशनल। बारे में हल्का फुल्का हम लोगों ने विस्तृत ढंग से, हल्के फुल्के से विस्तृत ढंग तक समझा दिया, नंबर आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक होता है इस पर थोड़ा सा आप लोग गौर करेंगे, ये होता है लंबाई के मात्रक। अब एक टॉपिक पूछता है लंबाई के मात्रक, इसके बारे में समझते हैं। लंबाई के मात्रक नहीं, मापन लिख लेंगे तो भी तरीका आपका सही लग रहा होगा, लंबाई के मापन, क्योंकि यही सिलेबस में आपका दिया हुआ है कि लंबाई के मापन, लंबाई को कैसे हम मापेंगे। तो लंबाई के मापन जो होता है इसको समझिएगा, लंबाई के मापन जो होता है इसको समझा जाएगा। तो देखा जाए लंबाई के जो मापन होता है इसको देखते हैं, इस लंबाई के थ्रू से क्या क्या टॉपिक आता है। सबसे पहली बात, पहला चीज आपसे पूछ सकते हैं कि लंबाई का सबसे बड़ा मापन या मात्रक पहले पूछ लेते हैं, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा। तो लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है उसको हम बोलते हैं पारसेक। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है उसको बोलते हैं पारसेक, इस बात को याद रखेंगे। और याद रखेंगे एक जो पारसेक होता है वो होता है इक्वल 3.08 इंटू 10 to the power 16, आप यहाँ पे मीटर लिख सकते हैं। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10 to the power 16 मीटर। एक बात और भी जान लेंगे कि अगर इसको किलोमीटर में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0.08 इंटू 10 to the power, पावर में 3 जैसे हम घटाएंगे तो यहां से जो बन जाएगा वो बन जाएगा किलोमीटर में। तो जब से किलोमीटर में आपको आना होगा तो 10 के पावर में से आप 3 माइनस कर लीजिएगा, तो ये आपको इतनी बातें जाननी है। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो आ सकता है कि लंबाई का दूसरा सबसे बड़ा मात्रक क्या पूछ सकता है। तो लंबाई का दूसरा सबसे बड़ा मात्रक आपसे पूछेगा, लंबाई का दूसरा सबसे बड़ा मात्रक अगर आपसे पूछता है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रकाश वर्ष। इंग्लिश में इसको लाइट ईयर बोला जाता है, इस बात को याद रखेंगे, इसको इंग्लिश में आप लाइट ईयर के पुकार सकते हैं एल वाई से। तो अब यहां से क्वेश्चन और उठता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी हो सकती है। तो याद रखें एक प्रकाश जो वर्ष होता है उसमें आपका होता है 9.46 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ पर 15 लगा के मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर होता है, या अगर बीच में हम डाल लें तो या करके भी लिख सकते हैं, तो ये होगा 9.46 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ पे 12 भी तो लिख सकते हैं,
ये जैसे बार लिखेंगे तो मीटर किलोमीटर में चला जाएगा। तो इसलिए याद रखें, लंबाई का दो मात्रक आपको जानना है अब इसके थ्रू से, पहला सबसे बड़ा मात्रक, दूसरा सबसे बड़ा मात्रक। इसके बाद एक बात और आती है कि नोट में आप चाहें तो एक बात तो और भी लिख सकते हैं, हो सके आपके एग्जाम में पूछ ले, जैसे आपसे पूछ ले एक जो पारसेक होता है, एक जो पारसेक होता है उसमें कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो एक पारसेक बराबर होगा 3.26। ये एक डाटा है, इसको जानना चाहिए। तो यहां से देखिए एक पारसेक बराबर हो गया 3.26 प्रकाश वर्ष, इसको भी लिखा जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है उसको लिख सकते हैं लंबाई का दूसरा, इसके बाद होगा लंबाई का दूसरा, दूसरा तो हो गया तीसरा ना, लंबाई का तीसरा, लंबाई का तीसरा सबसे बड़ा मात्रक, लंबाई का तीसरा सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा, याद रखें लंबाई का तीसरा सबसे बड़ा मात्रक होता है जिसको खगोलीय इकाई बोला जाता है, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसको आप बोल सकते हैं खगोलीय, खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई। तो आप चाहें तो लंबाई का तीसरा सबसे बड़ा मात्रक रख सकते हैं खगोलीय इकाई। बात आती है कि एक जो खगोलीय इकाई होती है, एक खगोलीय इकाई, यानी कि यहां पर याद रखें एक खगोलीय इकाई जो होती है वो किसके बराबर होती है, तो खगोली, देखिए खगोली सही से लिख देता हूं, खगोली, एक खगोली इकाई जो होती है वह होती है 1.49 इंटू 10^11 ये मीटर में चला जाएगा। जैसे इसको किलोमीटर में आप बदलने आएंगे, किलोमीटर में, तो ये हो जाएगा 1.49 इंटू 10^5 किलोमीटर। याद रखिए ये वाला 5 है, इसको अच्छे से थोड़ा सा लिख देता हूँ। तो ये आपके ऊपर जो भी पावर आपके सामने दिख रहा है 10 के ऊपर, ये आपका है पावर में। तो जैसे आपने 3 घटाया इसमें, 8 × 3 = 11 होता है, इसलिए 8 मैंने रख लिया। तो आपने देखा लंबाई के 3 मात्रक आपने देखा, लंबाई के जब आपने 3 मात्रक को देखा तो तीनों मात्रक को अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे इसको किया जाता है। तो लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होगा, लंबाई का दूसरा सबसे बड़ा मात्रक होगा लाइट ईयर, लंबाई का तीसरा सबसे बड़ा मात्रक होगा खगोलीय इकाई। नोट में एक बात मैंने लिखवाया कि एक पारसेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। इसके बाद याद रखिए कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स लगते हैं, कुछ उपसर्ग या एक बोलते हैं प्रत्यय, प्रत्यय तो पीछे उपसर्ग लगता है, तो यहाँ पे कुछ उपसर्ग है जिसके बारे में समझना है। जैसे पहला आता है एक्सा, जैसे मान लेते हैं एक्सा शब्द आ जाएगा तो क्या करेंगे, एक्सा के बाद होगा पेटा, पेटा के बाद होगा टेरा, टेरा के बाद होगा गीगा, गीगा के बाद होगा मेगा, मेगा के बाद होगा किलो, किलो हेक्टो, उसका डेका, ठीक है, डेका के बाद हमारा स्टार्ट होगा डेसी, डेका के बाद स्टार्ट होगा डेसी, उसके बाद सेंटीमीटर यानी सेंटी, उसके बाद मिली, मिली मिली के बाद हमारा होगा माइक्रो, माइक्रो माइक्रो के बाद आएगा नैनो, नैनो, ठीक है ना, 9 तक पहुंच गए, 12 तक पहुंचना है तो पीको आएगा इसके बाद, और 12 ये मेगा 9, 12 15 तो 12 पीको आएगा, इसके बाद आएगा पीको, इसके बाद आएगा फेमटो, फेमटो या इसी को हम फर्मी भी बोल सकते हैं, हम फेमटो के बाद आएगा पीको फेमटो एट्टो, इसके बाद आएगा एट्टो। इसके बाद और भी कुछ वर्ड्स आएंगे जिसके बारे में हमको समझना है, जैसे कि एक आएगा एंगस्ट्रॉम, एक आएगा एंगस्ट्रॉम जिसके बारे में समझना है, इसमें एक वर्ड आ जाएगा एंगस्ट्रॉम का,
एंगस्ट्रॉम के बाद एक आता है मीरिया, मीरिया शब्द भी आता है, एक मीरिया मीटर में कितना होता है। तो अब यहां पे मान को रखना शुरू करता हूं। एक्सा का मतलब होता है 10^18, पेटा का मतलब होता है 10^15, टेरा का मतलब होता है 10^12, गीगा का होगा 10^9, इसका होगा 10^6, इसका होगा 10^3, इसका होगा 10^2, इसका होगा 10^1। डेका होता है ना, सॉरी यहाँ पे डेसी नहीं होता है, डेका होता है, सॉरी सॉरी सर, हेप्टो के बाद डेका आता है, याद रखिए डेका की वैल्यू है डेका मीटर, उसका डेसी की वैल्यू होती है 10^-1, सेंटी की वैल्यू होती है 10^-2, मीली का होता है 10^-3, माइक्रो होता है 10^-6, नैनो होता है 10^-9, पीको होता है 10^-12, ये होता है 10^-15 और ये होता है 10^-18। तो आप देख पा रहे हैं कि सबकी वैल्यू मैंने रख दिया, इस वैल्यू को आपको याद करना है, अगर आगे एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो इसको याद करना पड़ेगा। एंगस्ट्रॉम होता है 10^-10 और मीरिया होता है 10^4। तो याद रखिए ये दो और भी फार्मूला साइड से, एंगस्ट्रॉम है तो इसमें मीटर भी शब्द लगा सकते हैं, क्योंकि एंगस्ट्रॉम जो होता है अपवाद सेक्शन में आता है इसके। तो इतनी बातें आपको अच्छे से जाननी होगी कि आगे वाले क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछ ले, ऐसे एक क्वेश्चन मान लेते आपसे पूछ ले कि बताइए बताइए एक गीगा मीटर में, एक गीगा मीटर में कितने, एक गीगा मीटर में कितने, एक गीगा मीटर में कितने, जैसे मान लेते कोई गीगा मीटर है तो एक गीगा मीटर में कितने 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 मिलीमीटर होते हैं, कितने मिली, कितने मिलीमीटर होते हैं। तो एक गीगा मीटर में कितने मिली मीटर होते हैं, मिलीमीटर होते हैं। अब आपको ये बताना है कि मान लेते हैं आपके सामने एक गीगा मीटर दिया हुआ है और एक गीगा मीटर में बोल दे कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं, ये आपसे पूछा है। तो एक गीगा मीटर होते हैं ये आपको समझना है। तो यहां से आप लोग देखेंगे कितने मिलीमीटर होता है, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखें, करना आपको क्या क्या होगा यहाँ से कि एक एक गीगा मीटर में कितने मिलीमीटर होता है। तो आपको ये जानना है कि एक गीगा मीटर में कितना की जगह पे एक्स रख लीजिए गुड़े और यहां पर रख लेंगे मिलीमीटर। तो अभी मैंने गीगा और मिली का बताया था, गीगा और मिली का मैं बताया हूं कि कैसे होगा, तो उस तरीके से हम रख के सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से देखिए कैसे बताया हूं मैं, दिखाते हैं अभी, रुक जाइए। यहां से देखिए, अब यहां से आपके सामने जब हम लोग चलेंगे तो यहां से चलने के बाद हमको पता चलेगा कि ये वाला लग रहा है, ये वाला था, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब आपको ये चीजें जानना है इसके अंदर कि इसके अंदर आपको ये जानना है, देखिए कि जैसे मान लेते गीगा और मिली को जानना है, तो गीगा का मान कितना है, गीगा का मान है 10^9 और मिली का मान कितना है, मिली में भी जाना है तो मिली का भी आप देख सकते हैं 10^3 है। तो इस तरीके से हम लोग एक्स मान लिए तो गीगा की जगह पर रख लेंगे 10^9 इक्वल टू एक्स इंटू और यहां पर रख लेंगे 10^-3, तो एक्स बराबर हमारा आएगा 10^9 और बटा 10^-3। जैसे माइनस ऊपर जाएगा तो पावर में तो प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 10^9 इंटू 10^3, 3 प्लस में आ गया। तो आधार बराबर तो घातों को आपस में जोड़ लीजिए, तो 9+3 जोड़ लेंगे 4 से 10 के ऊपर 12, आपका आंसर हो जाएगा।
तो अगर कोई पूछता है कि बताइए 1 गीगामीटर में कितना मिलीमीटर होगा, तो 10^12 मिलीमीटर होगा। यहाँ तक समझ में सबको आ रहा होगा, ठीक है? तो आ रहा होगा यहाँ तक समझ में, ठीक है ना? तो आपने देखा ये क्वेश्चन, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपसे मान लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन एक और आपसे पूछ ले, इस पे चेंज करने से ही रिलेटेड पूछ ले, जैसे पूछ ले कि बताइए, आपसे इस तरह से पूछ ले, बताइए 1 माइक्रो, आपसे पूछ ले 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर में कितना कितना 1 माइक्रोमीटर में कितना मेगामीटर होगा, कितना मेगामीटर होगा। अब देखिए ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो सबसे पहले आपको लिखना है 1 माइक्रो, एकदम रटा रटाया होना चाहिए, 1 माइक्रोमीटर में कितना मेगा मीटर होगा। आप मीटर और मीटर कट जाएगा, माइक्रो दे देगा 10^-6 और एक्स इंटू, और ये मेगा दे देगा 10^6, इधर डिवाइड में लग जाएगा, तो x^10^-6 और बट्टा 10^6, तो लिखेंगे 10^-6 इंटू 10^-6, और ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और x इक्वल टू हो जाएगा 10^-12। तो अगर आपसे पूछता है कि बताइए 1 माइक्रोमीटर में कितना मेगामीटर होगा, तो आंसर होगा 10^-12। इसके बाद थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसके बाद थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं इसके बाद बढ़ा जाए। तो इसके बाद देखिए आपके सामने क्या चीजें पूछा जा सकता है, इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि अगर आपके सामने द्रव्यमान है तो उसके क्या मात्रक हो सकते हैं या मापन। तो यहाँ पर अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा द्रव्यमान के मापन, द्रव्यमान के मापन में 2-3 बातें सिर्फ आपको जानना है। जैसे आपसे पहला चीज आपको ये जानना है कि 1 आउंस, एक जो आउंस होता है कितने के बराबर होता है, तो ये होता है 28.35 ग्राम के बराबर होता है। इसके आप पूछता है कि 1 पाउंड, 1 पाउंड किसके बराबर होता है, तो ये होता है 453.52 ग्राम के बाद होता है। एक और चीज आपसे पूछ लेगा कि 1 पाउंड में कितना आउंस होता है, तो 1 पाउंड में 16 आउंस होता है। पूछ लेगा 1 क्विंटल में कितना ग्राम होता है, ये भी आपको जानना है, 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, ग्राम नहीं कितना किलोग्राम होता है। फिर पूछ लेगा 1 टन में, टन को मीट्रिक टन भी बोल सकता है, याद रहे इस बात को कि 1 टन, पूछ लेगा 1 मीट्रिक टन, बताइए 1 मीट्रिक टन में क्या होता है, तो 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होता है। जैसे 10 क्विंटल होगा तो 10 क्विंटल को किलोग्राम में बदल लेते हैं, 10×100, इस प्रकार से 1 टन या 1 मीट्रिक टन में हमारे पास 1000 केजी वजन निकल कर आ जाता है। इतनी बातें आपको जानना है। तो याद रखिए द्रव्यमान आपके सामने, द्रव्यमान के मापन में आपको 2-3 बातें सिर्फ जाननी है, बाकी सब हम पीछे लंबाई के मात्रक से समझ लेंगे। इसके बाद हमारा आता है समय का मापन। आप लोगों के सिलेबस में लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये लास्ट टॉपिक है इसका, तो समय का मापन देख लेते हैं कि किस किस तरीके से क्वेश्चन इस पर बनेगा। अब देखिए समय के मापन में आपको सबसे पहले यह पूछ लिया जाएगा, पहले दिन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, फिर दिन निकल जाए आ जाएगा तो चंद्रमा, सौर्यमास, ये सब चीजें आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि समय के मापन में आपसे पूछ सकता है पहली चीज कि बताइए एक साधारण वर्ष है, मान लेते हैं कोई एक साधारण वर्ष है तो कितना दिन के बराबर होगा, तो एक साधारण वर्ष जो होगा वह 365 दिन के बराबर होगा। अगर लीप वर्ष की बात करें तो एक जो लीप वर्ष होगा वह 366 दिन के बराबर होगा। आपसे पूछ लेगा एक सौर्य वर्ष कितने के बराबर होगा, एक सौर्य वर्ष, तो एक सौर्य वर्ष में हम कह सकते हैं कि 12 महीने होंगे, एक सौर्य वर्ष में 12 महीना होता है, 12 महीना। और ये जो सौर्य वर्ष होता है आप साधारण वर्ष लीप वर्ष में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चंद्रमास, याद रखें
एक चंद्रमास कितने के बराबर होता है? तो एक चंद्रमास होता है 29.5 दिन के। इसका पूछा जा सकता है कि एक महीना में क्या होता है भाई? तो एक महीना में हम बोल सकते हैं कि 30 दिन या 31 दिन का होता है, 30 या 31 दिन। अब बस आपको एक बात और भी इसमें आपको याद रखना है कि एक महीना 30 या 31 दिन का होगा, लेकिन इसमें एक ऐसा महीना होता है जिसको बोलते हैं फरवरी। तो फरवरी के लिए हमारे पास 28 दिन या 29 दिन का आ सकता है। तो इसलिए दिन से रिलेटेड आपको इतनी बातें जाननी है कि अगर आपसे पूछ ले कि बताइए एक साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष, एक सौर वर्ष, एक चंद्रमास कितने कितने दिन का होता है, सब चीज आपको जाननी पड़ेगी। इसके बाद आपको पता है कि पखवाड़े भी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष होता है, जिसमें 28 28 दिन का हम माना जा सकता है, 28 सॉरी सॉरी 14 14 दिन का माना जा सकता है। लेकिन चंद्रमास की बात करें तो यह 29.5 दिन का होता है। कहा यह जाता है कि एक सौर वर्ष में आप 12 चंद्रमास होते हैं, लेकिन 8 दिन और एक्स्ट्रा बच जाता है लास्ट में जाकर। मतलब 8 दिन मतलब कम ही हम लेते हैं सौर मास में, लेकिन 12 आपके चंद्रमास जा सकते हैं। हाँ, एक बात और भी समझ लेना है, जैसे एक वर्ष होता है तो एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। भी कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, ये भी आपको समझना है। एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। वैसे मैंने समय पर पूरा का पूरा एक चैप्टर बनाया गया है पिछले वीडियो में, जो घड़ी पूरा अच्छे से पढ़ाया हूँ, उसमें आप जाकर देख लीजिएगा, हर एक चीज आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और भी थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें। अब आपसे पूछ लेगा 1 घंटा में कितना मिनट होगा, ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, सब लोग को पता होगा। 1 घंटा में 60 मिनट होता है। और आपसे भी पूछ लिया जाए कि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड होता है। बाकी आप पिछले वीडियो में जाकर अच्छे से देख सकते हैं, जिसमें हर एक बातें आपको अच्छे से बताई गई है। तो मापन से रिलेटेड इतनी बातें आपका है। इसी में एक और टॉपिक आ जाता है जिसको बोलते हैं भारतीय मुद्रा। एक बोलते हैं भारतीय मुद्रा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो भारतीय मुद्रा में एक बात अच्छे से जानेंगे। पहली चीज आपको ये जानना है कि अभी इस समय चलन में, इसमें चलन में है, चलन में है। तो चलन में क्या क्या है, तो देखिए चलन में क्या है, 1 रुपये है, फिर 2 रुपये है, इसके बाद 5 रुपये है। देखिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, और आगे जाएंगे तो 10 रुपये, 10 रुपये, आगे थोड़ा सा बढ़िए 10 रुपये, इसके बाद 50 रुपये, और आगे जाएंगे तो 100 रुपया, फिर 200 रुपया, 200 रुपये, इसके बाद 500 रुपये, इसके बाद 2000 रुपये। भारत में जब आप देखेंगे तो इतनी चीजें आप लोग जो है चलन में चल रहा है, चलन में है, इतने रुपए मान्य है जो भारत में चल रहे हैं। जैसे 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का भी सिक्का आता है। आगे बढ़ेंगे तो 10 रुपये के सिक्के के साथ साथ 10 रुपये का सिक्का आता है। इसके बाद आगे जाएंगे तो 50 रुपये, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इन तीनों का सिक्का के साथ साथ रुपए भी हो सकता है, लेकिन 1 रुपए के तो सिक्के खाली आते हैं। तो इसको छोड़ देता हूँ, सिक्का और रुपए से रिलेटेड। बस आपको इतनी बातें समझना है कि ये चीजें जो है चलन में अभी है, इसके नीचे चलन में नहीं है, चलन में पैसे से रिलेटेड कोई चीजें चलन में नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसके बाद एक बात और भी आपको समझना है कि एक पैसा, 1 रुपये जो होता है, 1 रुपया कितने के बराबर होता है, तो 100 पैसे के बराबर होता है। ये भी आपको बातें, हमारे यहाँ जो होता है कि 1 रुपया हमेशा 100 पैसे के बराबर होता है। तो भारतीय मुद्रा से रिलेटेड आपको दो बातें सिर्फ जाननी है, बाकी जोड़ घटाना इस पे पूछता है, जो इजी तरीके से आप बिल्कुल कर जाएंगे इस पे। तो आपने देखा कि मैंने मापन से रिलेटेड आपके सामने 2 4 पॉइंट रखा, जो आकर पूरा का चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें आपके पास देखिए आप क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जैसे पूछ लेगा ऐसे 29 रुपया 45 पैसा को 123 रुपया 37 पैसे में जोड़िए, 37 पैसा में जोड़िए, यानी जोड़िए बोले तो प्लस करिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या करेंगे कि रुपए को एक साइड में लिख लें, पैसे को एक साइड में लिख लें। अच्छा चलिए जोड़ते हैं, तो यानी कि 123 रुपया
123 रुपया 3 पैसा लिखा गया, तो 3 पैसा रख लीजिए। और यहाँ पर लिखा है 29 रुपया 45 पैसा, तो चलिए जोड़ लेते हैं इसको। जैसे हम जोड़ेंगे तो इधर हमारा 48 पैसा आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे हमारा तो होगा 9 3 12, 12 का 2, हाँ से ले 2 2 4 1 5, और यहाँ से 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से याद रखें आंसर में हमें क्या देना है, आंसर में हमको दे देना है 152 रुपया। 152 रुपया कितना पैसा भाई, तो 48 पैसा। तो याद रखें ऐसे आपको जोड़ना है, इस तरीके से जोड़कर आंसर को दे सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन इस पर क्या पूछ सकता है आपसे, एक और क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है। जैसे मान लेते हैं एक कार, मान लेते हैं कोई कार है, एक कार 200 मीटर की दूरी, 200 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करती है, 200 मीटर की दूरी 10 सेकंड में कवर करती है, 10 सेकंड में तय करती है, 10 सेकंड में तय करती है, तो कार की चाल किमी पर आवर में क्या होगा, किमी पर आवर में क्या होगा। अब यहां से देखिए एक चीज है, दो तीन बातें आपको सूत्र से समझना है। यहां से सूत्र से देखिए, पहली चीज कि चाल पूछा है, तो चाल के लिए फार्मूला होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। पहले पॉइंट, पहले इस पॉइंट को आपको कवर करना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका होता है कि 1 किलोमीटर जो पर आवर होता है, यह बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकेंड से, ये भी आपको जानना है बातें। इसके बाद एक बात और भी आपको समझना है कि 1 मीटर प्रति सेकेंड जब आएगा तो इसको हम चेंज करेंगे किमी पर आवर में 18/5 से गुणा करके, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो आपको ये इतनी तीन बातें आपको जाननी है। इस पर चाहे तो दो सूत्र और भी निकाल सकते हैं, समय बराबर, तो चाल और समय आपस में इंटरचेंज करके समय का फार्मूला आपका बन जाएगा दूरी बटे चाल। अगर आपसे दूरी का फार्मूला यहाँ से पूछना चाहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूरी के फार्मूले को आप कवर कर सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय से। तो आपके सामने इस क्वेश्चन को करने के लिए 3 कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए जो आपके सामने लिखा हुआ है। पहला आपका है कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय, जो दूरी आपके सामने दिख रहा है। जैसे दूरी अगर 200 मीटर है और इसको कवर कर रहे हैं 10 सेकंड में, तो आप चाल निकाल लें जब चलेंगे तो दूरी में समय से डिवाइड कर लेंगे बहुत इजी तरीके से। तो साइड में इधर देखें सॉल्व कर रहा हूं, देखें कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इतना में हो जाएगा सॉल्व। अब यहां से आपसे स्पीड पूछा है, चाल पूछा है, तो इसके लिए फार्मूला मैं देख चुका हूं दूरी बट्टे समय से। तो आप देख पा रहे हैं कि दूरी 200 है, तो आप 200 ले लीजिए और 10 से डिवाइड कर लीजिए। एक बात और आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आप थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अगर आप यूनिट को अगर अच्छे से नहीं रखते हैं तो। लेकिन आप यूनिट टू यूनिट जैसे दिया हुआ अगर रखते चले जाएंगे तो धीरे धीरे सब कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। अब 200/10 रख लिया मैंने, तो 200 के आगे मीटर है, तो मन करे मीटर दिमाग में रखें या लिख दें, 10 सेकंड है तो यहाँ पे 10 सेकंड लिख लीजिए। वैसे हमेशा इसको लिखते नहीं है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए, ये आपको जानना चाहिए कि 200 अगर मैंने रखा है तो 200 किलोमीटर में है कि मीटर में है, ये आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे हम जब बढ़ेंगे तो चाल बराबर आपका आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 20 आएगा, लेकिन आगे इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसकी चाल किमी पर आवर में पूछी गई है, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में जाने के लिए आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो चलिए करके मैं आपको दिखाता हूँ, 20 × 18/5, 5 से जब 20 को कट करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा और इस तरीके से आ जाएगा 18 × 72। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी व्यक्ति है या जो भी कार है ये कितने स्पीड से चल रहा है, तो 72 किमी पर आवर से चल रहा है, 1 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी को कवर कर रहा है। अच्छा एक और चीज़ मैं अगले पेज पे बता देता हूँ, बहुत बड़ा दिक्कत का एक और सामना करना पड़ता है कि कब हम 5/18 से गुणा करें और कब 18/5 से गुणा करें। आपको बस दिमाग में याद रखना है कि 5/18 अगर आपके सामने एक नंबर है तो 18 वाले नंबर को हम बड़ा कहेंगे और 5 वाले को छोटा कहेंगे। तो देखिए कैसे यूज करना है, अगर आपको किमी पर आवर से मीटर पर सेकंड में आपको जाना है
तो साफ साफ दिख रहा है कि बड़ी यूनिट से मुझे छोटी यूनिट में जाना है, तो छोटी यूनिट में जाना होगा तो छोटा नंबर ऊपर और बड़ा नंबर नीचे। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऊपर हमें किसको रखना है, तो छोटी यूनिट में जाएंगे तो छोटा नंबर ऊपर रहेगा, बड़ी यूनिट में जाएंगे तो बड़ा यूनिट ऊपर रहेगा। जैसे किमी पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो छोटा नंबर ऊपर तो बड़ा खुद नीचे चला आएगा। अब खुद सोचें कि 1 मीटर पर सेकेंड से अगर मुझे किमी पर आवर में आना है, किलोमीटर पर घंटे में अगर मुझे आना है, तो किलोमीटर पर घंटे में अगर मुझे एंट्री करनी है तो बड़ी यूनिट है, इसलिए बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप पाएंगे कि सारा उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो एक बार अच्छे से देखकर एक एक कॉन्सेप्ट को समझकर क्वेश्चन को हल करें, सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल आएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि कैसे हम चेंज करेंगे, तो इन्हीं के जस्ट ऊपर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ क्वेश्चन रख रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ लिया जाए, सी टेट में उसे पूछता भी है यूनिट चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर मैं 2-4 नंबर रख रहा हूँ। पहला आपके सामने है 40 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। अब देखिए इसमें किलोमीटर पर घंटे में बदलने की बात चल रही है, तो साफ साफ देख रहे हैं कि छोटी यूनिट से मुझे बड़ी यूनिट में जाना है। तो अभी मैंने सिखाया कि बड़े नंबर को ऊपर रख लें, छोटे नंबर को नीचे। 5 से 40 को कट करेंगे, 8 बार में कट जाएगा, तो इस तरीके से 18 × 8 आएगा, जिसको हम 144 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं। अब 144 कहाँ से आ गया, तो 18 के टेबल में आप 18 का 8 बार टेबल पढ़ लेंगे 144 का, तो 40 × 18 / 5, 5 से 40 को कट करेंगे 8 आएगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि 8 × 18 आपके सामने आ चुका है। फिर 18 का 8 में गुणा करेंगे 144 आएगा, लेकिन इस बार यूनिट बदल जाएगी और यूनिट हो जाएगी किमी पर आवर। 144 किमी पर आवर का मतलब भी होता है कि एक घंटे में जो भी यहाँ पे कार बस जो भी है, अगर 144 किलोमीटर पर घंटा है तो वह एक घंटे में 144 किलोमीटर जाएगा। कई बार इस पर ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 3 घंटा में कितना जाएगा, 4 घंटा में कितना जाएगा। हम करें कि जब 1 घंटा में 144 जाएगा तो जितना घंटा पूछा है उसमें आप गुणा कर लीजिए, तो 1 घंटा में 144, तो 2 घंटे में 144 × 2 288 आंसर होगा। एक और इसी के बेस पर क्वेश्चन में रख रहा हूं। अगर आपके सामने पूछ लिया जाए कि बताएं 162 यानी कि 162 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए, मीटर पर सेकंड में बदलिए। अब देखिए इसको जब हम बदलने की बात चलेगी तो कैसे बदलेंगे, 162 किलोमीटर पर घंटा इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए। अब आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि इस बड़ी यूनिट से मुझे छोटी यूनिट में आना है। जैसे छोटी यूनिट में जब हम आएंगे तो याद रखें 162 ले लीजिए मल्टीप्लाई बाई, इस बार छोटी यूनिट में आना है तो छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे, 18 से इसको कट करेंगे तो शायद 9 बार में कटेगा और आगे आ जाएगा 9 × 5 और 9 × 5 = 45 और इसको हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यहां से आपने देखा कि 45 मीटर पर सेकेंड आ चुका है। एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं इसके जस्ट बेस पर। आपके सामने एक क्वेश्चन और आ सकता है कि यदि यदि एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से स्कूल जाता है, घर से स्कूल जाता है और 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से स्कूल से घर आता है। तो पूछ सकता है उस व्यक्ति की, पूछ लेगा उस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी,
ये क्वेश्चन ये भी बहुत ही फेमस है, आपके एवरेज स्पीड से पूछा जा सकता है। औसत चाल बताइए। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने औसत चाल पूछ रहा है और आपके सामने दो स्पीड है, S1 इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर और S2 इक्वल टू आपके पास है 30 किलोमीटर पर आवर। बस आपको ये चीजें चेक करना है कि वह दूरी समान है कि नहीं है। तो घर से स्कूल जाते हैं, मान लेते इसका होम यहाँ पर है, इसका घर यहाँ पर है और यहाँ पर उसका स्कूल है। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि एक बार घर से स्कूल आया, एक बार स्कूल से घर आया, तो दूरी तो समान है। तो जब दूरी समान हो और दो चाल दिया हो, तो इसके लिए हम लगा सकते हैं एक फार्मूला। ये देखिए फार्मूला क्या है, यह फार्मूला है औसत चाल बराबर 2 गुणे चालों का गुणनफल बटा चालों का योगफल। तो इसलिए हम लगाएंगे 2 गुणे 20 गुणे 30 और नीचे हो जाएगा 20 प्लस 30। तो यहां से हो जाएगा 2 गुणे 20 गुणे 30 और नीचे हो जाएगा 50। 0 से 0 गया, 6 बार में कट जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 6 और इस प्रकार से उसकी स्पीड औसत चाल 24 किमी हो चुकी है। समझ वाली बात है। तो सेम आपने देखा ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा एंड हुआ मापन वाला। फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक नए सेशन में अच्छे के साथ। तो धन्यवाद सभी लोगों का जुड़ने के लिए। तो जय हिंद।